यहाँ पर आया 22 अक्टूबर को, काफ़ी सारी बारिश हो रही थी, भीग गया, जुकाम हो गया था रास्ते में आते आते, कई दिन तक जुकाम नहीं निकला। यहाँ का जो जीवन था वो काफ़ी आम जीवन से हट करके था, पहले उठना और उठ करके वो सारे नियम पर चलना, उन सारे सीनों को अपनाना जो एक भिक्खू समाज अपनाता है। मैं अपने सभी ग्रस्त साथियों से ये निवेदन करता हूँ, एक भिक्खू का जीवन बहुत ही कठिन जीवन है। भिक्खू कभी भी आम जीवन नहीं जीता, बहुत ही कठिन जीवन जीता। इसलिए मेरा समाज से ये निवेदन है, बुद्ध साथियों से ये निवेदन है, धर्म साथियों से ये निवेदन है कि भिक्खू के प्रति कभी भी आप अपना असम्मान जाहिर ना करें। दूसरा, मैं यहाँ के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मगर मैंने सुना कि पिछली बार काफ़ी सख्त नियम थे और इस बार नियमों में कुछ ढील दी गई, मैंने महसूस भी किया। मगर मैं जब यहाँ पर आया, मैंने कोशिश की कि वो मैं सारे सीन निभाऊँ। कहते थे कि बीच में बोलना नहीं है, मैं बोलता नहीं था जब तक ज़रूरत नहीं होती थी, चुप रहता था। कई बार गौतम जी से बीच में कुछ बात हुई, मगर वो जो भी कुछ बात थी उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए और विकसित करने के लिए जो कुछ भी हमारे हित में हो सकता था उन्होंने किया। जो भी शिक्षक हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, अपने अपने कार्य को प्रत्येक साथी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। जब हम क्षेत्रों में गए भोजन दान, अलग अलग बुद्ध विहारों में हम भोजन दान भोजन करने गए, उससे हमारे धर्म की बात आगे फैलती है। लोग देखते हैं जब इतने सारे भिक्खू एक लाइन में जब चलते हैं तो लोगों की मनस्थिति बदलती है, वाकई में देख करके बदलती है। मेरा ये निवेदन है कि ऐसे प्रोग्राम हमको साल में कम से कम 4 बार करने चाहिए, हर 3 महीने के बाद में हमारा ये प्रोग्राम होना चाहिए, और अगर 3 महीने में नहीं कर सकते तो 2 बार अवश्य करें, ताकि हमारे जो बौद्ध आचार्य हैं और बौद्ध धर्म को फैलाने वाले काफ़ी संख्या में पैदा हो। दूसरी बात, जो व्यवस्था की बात है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, पिपल साहब अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ सब्जेक्ट जो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, जो सब्जेक्ट में शेड्यूल में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, समय और परिस्थितियों को देख करके बदलाव जरूरी है। हमने एक चैप्टर अनित्यता का भी पढ़ा, जो हर समय परिवर्तन का द्योतक है। मैं उसके अंतर्गत निवेदन करता हूँ कि जो सब्जेक्ट आउटडेटेड हो चुके हैं उनमें समय बर्बाद ना करके कुछ नई चीज़ें, क्योंकि ज़माना हाईटेक हो रहा है, समय के अनुसार चल करके कुछ नई चीज़ों को उसमें लिया जाए, एडजस्ट किया जाए। मेरी ऐसी वंदना है, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी आप सबके सामने मुझे इस लायक समझा, इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे यहाँ पर बुलाया और इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर के भिक्खू समूह की तरफ से आपके समक्ष दो शब्द रखूँ, इसके लिए मैं आगे के लिए मैं तो जब से ग्रस्त जीवन में क्या, जब से मैं स्टूडेंट था मैं तब से बुद्ध को फैला रहा हूँ, माध्यम कोई भी रहा हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रही है, थोड़ा झगड़ालू था पहले, कैंप में आने के बाद में सीलों का पालन करके थोड़ा सा हम्बल होने का साहस मुझे मिला है और मैं बहुत इरिटेट था। दूसरी एक बात अपने बारे में वो बता दूँ, ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट एसोसिएशन है, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। उस माध्यम से भी हम जहाँ पर भी जाते हैं, जब भी हमारी कोई सभा होती है, एडवोकेट्स की सभा होती है, उसमें हम पूरा बौद्ध धर्म से अपनी सभाओं का संचालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारी सभा बुद्ध विहार में हो, ताकि जो साथी बुद्धिस्ट नहीं भी हैं कम से कम बुद्ध विहार में आकर के उनकी मनस्थिति थोड़ी बहुत तो चेंज हो, 100 में से 10% ना हो, 2% तो चेंज हो। आज व्यक्ति जो बुद्ध विहार में आया, कल को हो सकता है कि वो पूछे हमसे कि भाई ये है क्या,
और आगे आने वाले समय में मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध धर्म को फैलाऊँ और जगह जगह ऐसी संस्थाओं का निर्माण करवाऊँ जिनसे बौद्ध धर्म को आगे भविष्य में प्रचार प्रसार मिले। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है। पाली भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्ञान हमारे समाज को होगा तो बुद्ध धर्म अवश्य ही फैलेगा, अवश्य ही फैलेगा। मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। बुद्ध धर्म नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, वंदे मातरम्।